डीडवाना की सड़कों पर आज कदमताल करती महिलाओं का एक नया रूप नजर आया। मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय सेविका समिति के पथ संचलन का। स्वयंसेविकाएं पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए चल रही थी, वहीं उनके हाथों में डंडा भी था। जहां जहां से राष्ट्रीय सेविकाएं पथ संचलन करते हुए गुजरी, वहां वहां उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से मातृ वंदन कार्यक्रम के तहत आज डीडवाना में महिला पथ संचलन निकाला गया। पंडित बसराज व्यास विद्यालय से शुरू हुआ यह पथ संचलन शहर के अनेक प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। पथ संचलन में अनेकों महिलाएं व युवतियां कतारबद्ध तरीके से कदम मिलाकर चल रही थी। संचलन में घोष के साथ उन्होंने अनुशासन का भी परिचय दिया। इस दौरान अनेक स्थानों पर संचलन के स्वागत के लिए रंगोलियां मनाई गई, वहीं अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए। इसके अलावा अनेक संगठनों और महिलाओं ने भी पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। वहीं पथ संचलन का स्वागत करने वाले लोगों ने गगनभेदी नारों से स्वयं सेविकाओं का उत्साह वर्धन किया। इसके बाद विभिन्न मार्गों से होता हुआ संचलन गोपाल गौशाला पहुंचकर संपन्न हुआ। इससे पूर्व प्रमुख संचालिका शांताका जी ने स्त्री को भारत की श्रेष्ठ संस्कृति की संवाहक और धारक बताते हुए कहा कि संस्कारों का समुच्चय संस्कृति है और संस्कारों का बीजारोपण करना मातृशक्ति के हाथों में होता है। नारी राष्ट्र की आधार शक्ति है, इसलिए शक्ति की उपासना हमारे देश की प्राथमिकता रही है।